श्री रामदास आठावले, मैं बताना चाहूँगा कि इस श्रेणी में आठ वक्ता हैं, लगभग तीन साढ़े तीन मिनट तक सात मिनट दीजिए, समय की सीमा है, छः बजे तक हम सबको बैठना है, इसको कंक्लूड करना है, इसलिए आपसे निवेदन होगा तीन मिनट। डिप्टी चेयरमैन सर, जम्मू कश्मीर में लागू हो रहा है राष्ट्रपति शासन, जम्मू कश्मीर में लागू हो रहा है राष्ट्रपति शासन, उसके सपोर्ट में मैं दे रहा हूँ राज्यसभा में भाषण। नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना है भारत नेशन, नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना है भारत नेशन, जम्मू कश्मीर को न्याय देने का है अमित भाई का मिशन। कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी ने वहां बहुत साल तक किया राज। कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने वहां बहुत साल तक किया है राज, इसलिए राष्ट्रपति शासन की स्थिति आ गई है आज। जम्मू कश्मीर को हमें चढ़ाना है राष्ट्रवाद का ताज, जम्मू कश्मीर को हमें चढ़ाना है राष्ट्रवाद का ताज, हम सब मिलकर इस बिल का समर्थन करते हैं आज। मेरे मन में जम्मू कश्मीर का है स्पंदन, मेरे मन में जम्मू कश्मीर का है स्पंदन, इसलिए मैं करता हूं अमित भाई का अभिनंदन। मैं तोड़ता हूं कांग्रेस वालों का बंधन और करता हूं पाकिस्तान का रणकंदन। हमें चाहिए एक राज्य एक राष्ट्र, हमें चाहिए एक राज्य एक राष्ट्र, लेकिन जम्मू कश्मीर दिखता है पर राष्ट्र, इसका हमें बहुत हो रहा है कष्ट, इसका हमें बहुत हो रहा है कष्ट, हमें खत्म करना चाहिए 370 कलम नष्ट। जम्मू कश्मीर है बहुत ही सुंदर, जम्मू कश्मीर बहुत ही है सुंदर, इसलिए वो चाहिए भारत के अंदर। हमें जम्मू कश्मीर का है अभिमान, वो भारत में ही है। हमें जम्मू कश्मीर का है अभिमान, बढ़ानी है मैं उनकी शान। हमें जम्मू कश्मीर का है अभिमान, बढ़ानी है हमें उनकी शान। हमारा हमेशा रहता है पाक व्याप्त कश्मीर की तरफ ध्यान, हमारा हमेशा रहता है पाक व्याप्त कश्मीर की तरफ ध्यान, इसलिए लगाना है हमें पाकिस्तान पर बयान। तो आज ये जो बिल लाया गया है, एक तो मतलब पीडीपी और बीजेपी एक साथ आए थे, लेकिन पीडीपी की भूमिका थोड़ी सी अलगाववादी लगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट निकाला, लेकिन तब कांग्रेस पार्टी और पीडीपी ने एक साथ आना चाहिए था। जिस तरह मतलब बीजेपी और पीडीपी का अलायंस टूटा, उसी तरह उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का अलायंस टूटा, मतलब वो तो टूटते रहता है, वो टूटा, तो इसलिए ठीक बात है। तो इसलिए ये जो आज का बिल आया है, एक तो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि भाई हमको और थोड़ा टाइम मिलना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए 6 महीना बढ़ाने की आवश्यकता थी, और अमित भाई ने गृह मंत्री के नाते ये बिल लाया है। ये बिल बहुत इम्पोर्टेंट है, बाद में 6 महीने के बाद इलेक्शन होने वाली है, इलेक्शन हो जाएगी तो बीजेपी वहाँ जीतने वाली है, और वहाँ मतलब दो पार्टी का राज्य आना ठीक नहीं है, क्योंकि एक पार्टी का राज्य आना चाहिए, नहीं तो फिर और दो पार्टी का आएगा तो और भी जल्दी टूट टूट जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही अच्छा बहुमत मिलेगा। मेरा निवेदन यह है कि मतलब कश्मीर में मुस्लिम समाज की संख्या ज़्यादा है, जम्मू में हिंदू समाज की संख्या ज़्यादा है, लद्दाख में बुद्धिस्ट समाज की संख्या ज़्यादा है, तो नाम खाली जम्मू और कश्मीर है। तो मैं गृह मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे बौद्ध समाज को अलग मत करो, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसी तरह का भी नाम उसमें करने के संबंध में विचार करने की आवश्यकता है।
और मेरी पार्टी की तरफ से मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और आप सब लोग भी समर्थन करो। कांग्रेस वालों को समर्थन करने के बगैर कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि ये बिल का समर्थन नहीं करेंगे तो, क्योंकि 350 से जो कलम है, इस कलम का उपयोग कांग्रेस पार्टी ने बहुत बार किया है। जब NTR की सरकार थी आंध्रा में, तब NTR की सरकार बर्खास्त करने का निर्णय आपने लिया था, तब मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी की पत्नी माई साहब अम्बेडकर जी के साथ मैं वहाँ NTR का सपोर्ट करने के लिए गया था। तो हम कोई 356 का बहुत बड़ा सपोर्ट करते आंसर नहीं है, लेकिन जब ऐसा वक्त आ जाता है जी, तब मतलब इसी तरह का उपयोग करना पड़ता है। और 356 हम अभी यहाँ लगा रहे हैं, हम कोई वेस्ट बंगाल में लगाने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन वहाँ शांति होनी चाहिए। वो हमारे मित्रों को कहना है कि भाई वहाँ शांति रखनी चाहिए, एक दूसरे पर हमला मत करो, जय बंगला भी बोलो, जय श्री राम भी बोलो, जय भीम भी बोलो, जो बोलना है वो बोलो, लेकिन वहाँ जो संघर्ष है वो मतलब वहाँ शांति होनी चाहिए। और वहीं से गड़बड़ी ज्यादा चलती रहेगी तो मेरा कहना ये है कि वहाँ भी 350 लगाने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा मत लगाओ। ममता जी को अभी एक दो क्या 6 महीने रह गए हैं, उनको 6 महीने राज करने दो, बाद में अपनी सरकार आने वाली है, काय के लिए 350 लगाना है। धन्यवाद ठावरे जी, धन्यवाद। मतलब आप भी मतलब अच्छा काम करते रहो, और इसीलिए मैं इस बिल का तो समर्थन करता हूँ, और ये बिल पास हो जाएगा ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।